28 जून 2022 काशी विश्वनाथ धाम उत्तर प्रदेश भारत। काशी विश्वनाथ धाम के परिसर में स्थित मांधातेश्वर मंदिर के शिखर पर बिजली गिरने से शिखर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, परंतु जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 13 जुलाई 2021 द्वारिकाधीश गुजरात भारत। प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर के गुंबद पर 52 गज की ध्वजा पर बिजली गिरने से उसमें आग लग गई थी, परंतु जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 2022 के पूरी जगन्नाथ धाम के रथ यात्रा के दौरान भी रथ के ऊपर बिजली दृश्यमान हुई थी, यहाँ भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह नजर डालने वाली बात है कि इन सब घटनाओं में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, कोई मारा नहीं गया, कोई घायल भी नहीं हुआ, ना ही कोई मंदिर टूटा है। जबकि हम सबको यह मालूम है कि बिजली कितनी शक्तिशाली होती है, तो क्या यह कोई संकेत था? संकेत भारत के लोगों के लिए, संकेत कोई आने वाली संकट के लिए? मेदिनी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर के शिखर या ध्वज पर बिजली गिरना या उनका टूटना एक अशुभ संकेत माना जाता है। 5वीं सदी का ग्रंथ बृहत संहिता में ध्वजा पर बिजली गिरने पर राजतंत्र या सरकार पर खतरा माना गया है। तो आखिर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है जिसका संकेत भगवान हमें बार बार दे रहे हैं? इन संकेतों को समझने के लिए हमें 600 साल पुराने पंचसखाओं की रचना ग्रंथों की माला भविष्य मालिका के पन्नों को थोड़ा पलटाना पड़ेगा। भारत के दुश्मन कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, जैसे कि हम सब ने देखा अप्रैल के बाद से देश में गृह युद्ध जैसी परिस्थिति आरंभ हो चुकी है। जिहादी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं, हिंदुओं को खुलेआम मार रहे हैं, राजनीतिक दल उनके समर्थन में उतर रहे हैं, कश्मीर में फिर से पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। जब मैंने 2021 में ये सब बातें कही थी आपको सतर्क करने के लिए, तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था। सच तो ये है कि आज हिंदू अपने ही देश में अकेले धर्म युद्ध लड़ रहा है, साथ देने वाला कोई नहीं। मेरा काम है सत्य को सबके सामने रखना। झूठ फैलाकर आज तक कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया है। जिहादी, देशद्रोही, धर्मद्रोही सब मिलकर बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसको अगले 6 महीने के अंदर अंजाम दिया जाएगा। देश को जलाने की, हिंदुओं को डराने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, इसीलिए भक्तों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बारिश का मौसम आरंभ हो चुका है। 2022 भारत में बाढ़ यानी फ्लड्स अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अति भयंकर एवं विनाशकारी बाढ़ आरंभ होने वाली है पूरे देश में। ऐसा बाढ़ जो कभी हमने देखा ना हो। कई घर नष्ट हो जाएंगे, कई गांव, कई शहर जलमग्न हो जाएंगे, खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी, पहाड़ों में बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स होने वाले हैं। दूसरी तरफ कोविड फिर से अपना आतंक मचाना आरंभ कर चुका है, यानी पूरा का पूरा चित्र ये है कि विनाश निश्चित है। 2020 के बाद से कल की लीला अति तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ का लीला समाप्त हो चुका है, कल की लीला आरंभ हो चुका है। चाहे वो कोविड हो, विश्व युद्ध का नींव हो, भारत में गृह युद्ध हो, प्रकृति का आपदा हो, हर तरफ केवल विनाश ही विनाश दृश्यमान हो रहा है। मालिका की रचना मनोरंजन के लिए नहीं की गई थी, बल्कि भक्तों को सतर्क करने के लिए की गई थी। और ज्यादा समय नहीं है साथियों, अंत निकट है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।